क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में घरेलू कनेक्शन पर 200 यूनिट निःशुल्क बिजली की घोषणा की है। तो भैया ऐसा काम केजरीवाल ही कर सकते हैं बोर्ड के लालच में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सॉरी अरे सारी सरकार करती है लेकिन केजरीवाल कुछ ज़्यादा ही भाई। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये शूटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। टूल्स एंड वेपन्स, द प्रॉमिस एंड पर्ल ऑफ द डिजिटल पेरल ऑफ द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ब्रेड स्मिथ और कैरल एंड ब्राउन, ठीक है ना। तो इन्होंने लिखी है डिजिटल एज, ये जो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के थे, कुछ ऐसे ही था उनके, उससे वो जुड़े हुए थे, याद नहीं आ रहा, बहरहाल याद रखना है। भारतीय वन प्रबंधन निदेश संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2019 की थीम क्या है? स्तनपान से जागरूकता वो मनाई जाती है, मनाई गई साल 1 से 7 अगस्त के बीच में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत में प्रथम टाइम रिलीज स्टडी का संचालन किया जा रहा है? तो ये है वित्त मंत्रालय के द्वारा। टाइम रिलीज स्टडीज का संचालन किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, मतलब कि इसमें कितना समय आदमी व्यतीत कर रहा है, कहाँ कहाँ, कुछ ऐसा ही। हाल ही में किस भारतीय को गिनी राज्य के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो गिनी राज्य के सर्वोच्च सम्मान से हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया। हाल ही में कौन सा देश इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी INF से अलग हुआ? तो ये अलग हो गया USA। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के कल्याण के लिए वैली डिक्री योजना लॉन्च की? तो ये लॉन्च की थी गुजरात के CM विजय रूपाणी ने, ठीक है ना, मतलब लड़कियों के लिए है, पढ़ाई लिखाई से पैसा वैसा दिया जाएगा इसमें। चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम CNAPS में जुड़ने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? विश्वास नहीं होता कि SBI है। चलो, चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम से CNAPS से जुड़ने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? SBI है, ठीक है ना, ओके।